हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 को लेकर मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट के रिगार्डिंग, इसके साथ ही दो नई आईपीएल टीमों को लेकर 8 काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये निकल कर आ रहा है फाइनली जो दोनों ही आईपीएल टीमें हैं उन्होंने ऑफिशियली अपने 3-3 प्लेयर्स को अनाउंस कर दिया है। जहां पर अगर सबसे पहले बात की जाए अहमदाबाद की टीम की, तो अहमदाबाद की टीम ने हार्दिक पांड्या के साथ ही राशिद खान और उनके साथ ही शुभमन गिल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जहां पर हार्दिक पांड्या को 15 करोड़, इसके साथ ही राशिद खान को 15 करोड़ और शुभमन गिल को इस टीम ने 7 करोड़ रुपए दिए। और शुभमन गिल को 7 करोड़ रुपए दिए जाने से बहुत सारे जो अहमदाबाद के फैंस हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके साथ ही अगर बात की जाए लखनऊ की टीम की, तो इस टीम ने केएल राहुल, रवि बिश्नोई और उनके साथ ही मार्कस ट्रॉइनिस को अपनी टीम में शामिल किया है। जहां पर केएल राहुल को 15 करोड़, रवि बिश्नोई को 4 करोड़ और उनके साथ ही मार्कस ट्रॉइनिस को इन्होंने 11 करोड़ रुपए दिए हैं। और ट्रॉइनिस को 11 करोड़ रुपए दिए जाने से भी बहुत सारे जो लखनऊ के फैंस हैं वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से अहमदाबाद और लखनऊ में से क्या आपको लगता है कौन सी टीम ने ज्यादा सही डिसीजन लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सभी आईपीएल टीमों के पास अब कितना बैलेंस पर्स बचा है मेगा ऑक्शन के लिए। तो जो स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम इस लिस्ट में टॉप पर आती है, जिनके पास 72 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इनके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास 68 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 62 करोड़, लखनऊ की टीम के पास 60 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास 57 करोड़, अहमदाबाद के पास 53 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास 48 करोड़, मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी 48 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 48 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास 47.5 करोड़ रुपए अवेलेबल हैं। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिनका जो बैलेंस पर्स है वो बहुत ही ज्यादा कम हो। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग मेगा ऑक्शन आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट के रिगार्डिंग। जहां पर प्री ऑक्शन के ड्राफ्ट की तो प्रोसेस अब दोनों ही नई आईपीएल टीमों ने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट की भी लास्ट डेट आप लोगों को आज देखने को मिलने वाली है। जहां पर बीसीसीआई के द्वारा इस डेडलाइन को 20 जनवरी तक कर दिया गया था, और आज क्योंकि 19 तारीख है तो आज रात तक अगर किसी प्लेयर को पुल आउट करना है या फिर अगर कोई प्लेयर अपना नाम मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट में देना चाहता है तो फिर आज का दिन उसके लिए बिल्कुल आखिरी दिन रहने वाला है। आज के दिन के बाद किसी भी प्लेयर का मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट में एंट्री या फिर एग्जिट होना बीसीसीआई बिल्कुल बंद कर देगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इनको अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले ओडीआई मुकाबले के रिगार्डिंग। जहां पर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को बीट करने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला आप लोगों को दिन में 2 बजे से लाइव देखने को मिलेगा। जहां पर इस मुकाबले में विराट कोहली सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलने वाले हैं, केएल राहुल आपको भारतीय टीम की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन होंगे। केएल राहुल पहले इस चीज को फाइनलाइज कर चुके हैं कि रोहित शर्मा की एब्सेंस में वो आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेंगे, और उसके साथ ही विराट कोहली आपको नंबर 3 की पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लाइनअप भारतीय टीम का रहने वाला है, क्योंकि विराट कोहली के कैप्टनसी से स्टेप डाउन करने के बाद काफी सारे यंग प्लेयर्स से भरी हुई आपको ओडीआई टीम देखने को मिलेगी। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या परफेक्ट प्लेइंग 11 भारतीय टीम की होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मोहम्मद सिराज की तरफ से। जहां पर मोहम्मद सिराज ने फाइनली विराट कोहली के रिगार्डिंग एक पोस्ट शेयर की है, जहां पर काफी ज्यादा इमोशनल पोस्ट इन्होंने की है। इन्होंने विराट कोहली के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पर लिखा है कि ये इनके सुपर हीरो हैं। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब किसी ने भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था तो विराट कोहली ही वो प्लेयर थे जिन्होंने इनको काफी ज्यादा बैक किया था, और अगर विराट कोहली आरसीबी की टीम में इन्हें बैक ना करते, इसके साथ ही भारतीय टीम में इन्हें बैक ना करते, तो फिर ये कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सोच भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने बताया कि विराट कोहली इनके लिए एक बड़े भाई की तरह है, और उन्होंने जो इनके लिए किया है उसको ये कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। जहां पर पंजाब किंग्स के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा है केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग लखनऊ में केएल राहुल का प्राइस देखो तो वो 15 करोड़ रुपए, और इतने रुपए तो आसानी से पंजाब किंग्स की टीम उन्हें दे ही देती, क्योंकि सिमिलर अमाउंट उन्होंने मयंक अग्रवाल को दिया है। तो क्लियरली ऐसा
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लखनऊ की टीम ने केएल राहुल को 16, 17 या फिर 18 करोड़ रुपए दिए हों, तो पैसे का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है। तो फैंस का मानना है कि इसका मतलब है पैसे के चक्कर में नहीं, बल्कि जो केएल राहुल है वो एक्चुअल में टीम को छोड़ना चाहते थे। केएल राहुल पंजाब किंग्स की टीम में खेलना ही नहीं चाहते थे, यहाँ पर पैसों का उन्हें कोई भी इशू नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया होगा लखनऊ की टीम से और वो उस टीम की कैप्टनसी करना चाहते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब किंग्स की टीम का जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रन था वो केएल राहुल अब और ज्यादा बेयर नहीं कर पा रहे थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या रीजन हो सकता है केएल राहुल का पंजाब किंग्स की टीम को ड्रॉप करना, जबकि उन्हें इतना ही या फिर इवन इससे भी ज्यादा प्राइस देखने को मिल सकता था। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है पैट कमिंस की तरफ से, जहां पर एक तरफ लगातार टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार हमें ऑप्ट आउट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस, जिन्होंने काफी ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अभी एशेज में दी थी, वो हमें वापस से आईपीएल में आते हुए देखने को मिलेंगे। और आप लोग देख सकते हैं पैट कमिंस कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, अभी एशेज में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस देने के बावजूद वो आईपीएल में आने के लिए भी तैयार हैं, और ऐसे में आईपीएल में जब वो आएंगे तो उनका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस चैलेंज के लिए उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसकी प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए भी पैट कमिंस ने आईपीएल में आने का डिसीजन लिया है, जिसका मतलब है कि मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट में वो शामिल हैं। और मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा आईपीएल टीमें पैट कमिंस के ऊपर करते हुए नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आ रहा है दोनों ही आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग। आप में से जो भी लोग ये वंडर कर रहे हैं कि आखिर क्यों ईशान किशन और उनके साथ ही श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स दोनों ही आईपीएल टीमों के प्री ऑक्शन में शामिल नहीं हुए, तो इसका जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर ईशान किशन ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने तो दोनों ही आईपीएल टीमों को मना ही कर दिया कि वो उनके टीम में खेलना ही नहीं चाहते, यानी कि वो मेगा ऑक्शन में जाना चाहते। जहां पर ईशान किशन को 9 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे लखनऊ की टीम के द्वारा, लेकिन ईशान किशन ने उनकी टीम में खेलने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि मुंबई इंडियंस की टीम शायद मेगा ऑक्शन में उनके ऊपर बिट करेगी। तो हो सकता है एमआई की टीम के द्वारा इनको कांटेक्ट किया हो। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर को भी 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, लेकिन अय्यर ने भी दोनों ही आईपीएल टीमों में जाने से मना कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब आप देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर को भी दोनों ही आईपीएल टीमों का कैप्टन नहीं बनना था, उनको भी पहले ही किसी बड़ी आईपीएल टीम जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उनके द्वारा कुछ पैसे जरूर ऑफर किए गए होंगे, जिसके चलते श्रेयस अय्यर ने दोनों ही आईपीएल टीमों के रास्ते ही बंद कर दिए। उन्होंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि वो उनकी टीम में आना ही नहीं चाहते। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।